हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं, क्या है उनके मन में सोने से पहले। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके सो चलिए देखते हैं, आप अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके ऊपर अपना फोकस बनाइए, देखिए उनके मन में आपको लेके क्या कुछ है, उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। So we have instinct, trickery, okay, and the last card यहाँ से हमारे पास है completion, bottom से हमारे पास renewal की energy है। टैरो से देखते हैं क्या है आपके भाई पर्सन के मन में सोने से पहले। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस, इनके पर्सन के मन में क्या है प्लीज़ वो हमें बताएं, क्या चल रहा है इनके मन में। ओके देखो यहाँ से हमारे पास स्टार आया है। ओके स्टार की एनर्जी यहाँ पे रिन्यूअल है, यहाँ पे स्टार है। ओके सो वी हैव द किंग ऑफ वैंड, पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके एंड द स्ट्रेंथ। ओके बॉटम से हमारे पास है फाइव ऑफ वैंड्स, वी हैव द टेम्परेंस ऑल्सो। एडवेंचर क्रिएटर, वी हैव द आउटसाइडर, एचॉक्शन की एनर्जी है यहाँ पे एंड द ऑर्डिनेंस। बॉटम से हमारे पर रूल कर रहा है फूल, ओके रूल इज फूल, मैच्योरिटी। ओके सो आई थिंक आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे व्यूवर्स। सो व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक आपके पर्सन अपनी लाइफ में सबसे पहले यहाँ पे, जो आप अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, उसको समझदार नहीं है या समझदारी नहीं है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस का उसे ध्यान नहीं है, वो कहीं ना कहीं उल्टे पुल्टे कदम बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, या फिर अपने कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि उनको उनको एहसास होगा, आज नहीं तो कल उनको एहसास होगा, आपका माइंडसेट यही कहता है कि आज नहीं तो कल उनको एहसास ज़रूर होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। राइट जो आपका दिल कहता था ना हमेशा से ये कि उनको आज नहीं तो कल उनको एहसास होगा कि वो अपनी लाइफ में क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या ठुकरा रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको एहसास होगा। तो आज उनको मुझे नज़र आ रहा है व्यूवर्स उनको एहसास है, और यही चीज़ें आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। तो ये आपको आपके पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, यस डेफिनेटली उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने क्या ठुकरा दिया अपनी लाइफ में, यानी उनसे क्या कितनी बड़ी गलती हो गई, क्या कर बैठे वो अपनी लाइफ में। आज वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक अफसोस में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग जो मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपको लेके, वो ये है कि आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि उन्होंने आपने उनको अब जैसे कि आउटसाइडर बना दिया है, आपने उनको अपनी लाइफ में से बेदखल कर दिया है, आपने उनको एहसास करा दिया कि तुमने अगर मुझे ठुकराया तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, मुझ में कमी नहीं थी, मैं हर जगह से कहीं ना कहीं सही था या सही थी, मेरी लाइफ में मैं अपनी जगह बिल्कुल सही खड़ा था। राइट कि तुमने मुझे ठुकराया इसमें मेरी कोई, तुम ये मत समझ लेना कि तुम ज़्यादा स्मार्ट थे मुझसे, या तुम ज़्यादा यंग थे, या तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, या तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई बेहतर मिल सकता था या मिल सकती थी या तुम्हें मिला, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हारा देखने का नज़रिया था गलत, मेरा गलत नहीं था, मैं अपनी जगह मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपनी इस रिश्ते में ऑनेस्टी दी, लेकिन तुमने उस ऑनेस्टी को ठुकराया, इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है। तो आपने उनको एहसास करवा दिया। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो गया है कि उनसे कितनी बड़ी कमिट हो चुकी है मिस्टेक एक, ठीक है, कितनी बड़ी उन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी अपनी लाइफ में कि उन्होंने एक ऐसे ऑफर को अपनी लाइफ में ठुकरा दिया जो उनकी ज़िंदगी बना सकता था, जो उनका एक हमसफ़र बन सकता था या सच्चा हमसफ़र था अपनी लाइफ में, जो उनको लाइफ टाइम यानी
लाइफ के हर एक कदम कदम पे वो आपको, मतलब आप उनका साथ देते, उनके सुख दुख में उनका साथ ही बनते, उनकी हर एक मुसीबत को अपनी मुसीबत मान के, उनके हर सुख को अपना सुख मान के उनका हमेशा साथ निभाते। आपके पर्सन ने एक ऐसा रिश्ता ठुकरा दिया और आज उनको यही चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि यस डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपका, ये अब इसका दिल कहता है, इसका दिल ये कहता है क्योंकि मुझे नज़र आया कि इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे कि इससे पहले हमने एक रीडिंग करी थी, मैंने उसमें आपको बताया था राइट कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है डेफिनेटली आपके पर्सन जो वहाँ पे एनर्जी थी वही एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आपके पर्सन ने आपके साथ में एक छलावा किया है, एक चाल चली है उन्होंने, जैसे कि आपका एक मिसयूज़ करा है पास्ट के अंदर। नो डाउट आपके पर्सन ने आपके साथ में जो ऑनेस्टी दिखाई थी कि मैं तुम्हारे लिए ऑनेस्ट हूँ, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, दगा नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे से सच्चा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा रहूँगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बना दूंगी, ठीक है, या तुम कहीं ना कहीं मेरे साथ में अगर रहोगे, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बेहतर हो सकती है। वो सारी बातें छलावा थी, वो सारी बातें झूठ थी, वो धोखा था। आपके पर्सन ने अपनी ऑनेस्टी ब्रेक करी है, अपना एक मैच्योरिटी लेवल उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो करके दिखाया आपके सामने। ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है क्योंकि मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ, आपके पर्सन अपनी लाइफ में अभी जो उनके लेट नाइट थॉट है वो ये दिखाते कि ये इस समय बैठ के अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऐसी दुआ कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं एक ऐसे समय की मांग कर रहे हैं डिवाइन से कि ये रिश्ता उनकी लाइफ में वापस आ जाए, ये रिश्ता उनके लाइफ में वापस आ जाए, ये जो पर्सन है यानी आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, आप उनको इनके किए के ऊपर जो उन्होंने आपके पर्सन ने किया है उसको लिए आप इनका माफ़ कर दो। ठीक है, इनको रिन्यूअल चाहिए इस कनेक्शन में। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे रिन्यूअल, इनका दिल भी कहीं ना कहीं यही दुआएं मांग रहा है, कहते हैं ना इनको सिर्फ यही लग रहा है, इनको डर भी सता रहा है। मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो ट्रूली आई एम स्पीकिंग, इस पर्सन को डर भी लग रहा है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप किसी और के लाइफ में चले जाओगे, आप किसी और के साथ में बढ़ जाओगे आगे। और वही इस पर्सन को डर भी है कि इस रिश्ते में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्या इनको एक सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा इनको नहीं पता। इनका दिल कभी डरता है, कभी सिकुड़ता है, कभी कुछ हो रहा है, यहाँ पे यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ये हर हाल में हर एक तरह से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं रिन्यूअल चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, जबकि ये खुद ये रिश्ता आपके पर्सन यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, इनको आपका रोना, तड़पना, बिलखना, अपनी लाइफ में आंसू बहाना कुछ भी नज़र नहीं आया। ये खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे आपकी बर्बादी का, और जबकि बर्बादी इनकी खुद की लाई हुई थी। इन्होंने तमाशा देखा व्यूअर्स, और ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि इन्होंने तमाशा देखा आपकी बर्बादी का। इन्होंने, इनको ऐसा नहीं है कि इनको दर्द नहीं हो रहा था, इनको बेशक इनको लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, इनको लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रही हूँ, मैं इनके साथ में अच्छा नहीं कर रहा हूँ, जबकि इस पर्सन ने मेरा कदम कदम पर साथ दिया है, मैं इस पर्सन के साथ में सही नहीं कर रहा हूँ। फिर भी इस पर्सन ने आपको देख के अनदेखा किया, आपके दुख आपके तकलीफ का इस पर्सन पर कोई असर नहीं हुआ। और आज वही पर्सन है व्यूअर्स जो अपनी लाइफ में ये मोमेंट फेस कर रहा है कि उसको कंप्लीशन देखना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, क्या अपनी खुशियों का एंड देखना पड़ रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ में उसने खुद अपनी कब्र खोदी है अनफॉर्चुनेटली, पर ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आपके पर्सन ने जाने अनजाने अपनी खुशियों की कहीं ना कहीं खुद ही कब्र खोद ली है। यहाँ पर आपके पर्सन एक ऐसी चीज़ों से मुझे डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनके ऊपर रूल करते हैं, जो इनको जैसा कहते हैं आपके पर्सन को वैसा करना पड़ता है। राइट, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी के अंडर प्रेशर है आपके पर्सन, जबकि ये आपके ऊपर दहाड़े हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर चिल्लाए भी होंगे, चीखे भी होंगे आपके ऊपर, जो आपको मन में आया होगा आपको बोला भी होगा, आपकी इंसल्ट भी करी होगी। ठीक है, नहीं क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप इनके सामने किस तरह से पेश आए हो, मतलब क्या क्या नहीं किया इस पर्सन के सामने आपने अपनी लाइफ में, इस पर्सन ने आपके साथ में क्या किया, वो ये किया इस पर्सन ने आपके साथ में। ये ह्यूमिलेशन है कहीं ना कहीं कि आप किसके लिए, कितनों के साथ में लड़ोगे, सिर्फ एक पर्सन को पाने के लिए आपने न जाने कितनों का, मतलब आपने कितनों की इज्जत ख़राब की है या आपने कितनों के साथ में गलत किया है। आपके पर्सन को सिर्फ उस समय जो सही लगा आपके पर्सन ने वो किया। ठीक है, नहीं है, इन्होंने अपनों के साथ ही फाइट की, इन्होंने अपनों के साथ ही कहीं ना कहीं दगा की, अपनों के खिलाफ बढ़ गए, जबकि ये हुआ है कहीं ना कहीं। और आज मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है अपनों को ही मनाना चाहता है, अपने रूठों को ही मनाना चाहता है, लेकिन इसे पता ही इतना आसान नहीं होगा, ये राह बड़ी मुश्किल है, ये चुनौती भरी है। लेकिन आपका पर्सन, फिर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस राह पर चल रहा है,
ठीक है, चलने की तैयारी कर रहा है। कहीं ना कहीं सब चीज़ें मुझे यहाँ पे वही फील हो रही है, वही वाइब्रेशन मिल रही है कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये पर्सन उस राह पे चल रहा है जिससे आप इसकी लाइफ में वापस आ जाओ, और इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है वो कहीं ना कहीं चली जाए इसकी लाइफ में। एक मेच्योरिटी यहाँ पर जो उस पर्सन ने पहले नहीं दिखाई थी वो अब मेच्योरिटी दिखा रहा है। कई बार इस पर्सन ने व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ आने की कोशिश नहीं की, बहुत बार की है, लेकिन हर बार इसने पोस्टपोन कर दिया किसी फियर की वजह से, किसी डर की वजह से कि ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं किस मुँह से उसके पास सामने जाऊँगी, ये जाऊँगा क्या कहूँगा उससे मैं। ठीक है, मैंने तो उसकी इतनी इंसल्ट की है, सबके सामने की है, लोगों के सामने इंसल्ट की है, आपके पर्सन ने आपकी एक के सामने नहीं की है, लोगों के सामने की है, जैसे कि बीच बाज़ार में, चौराहे पर, लोगों के सामने, अपनों के सामने, कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि कमी नहीं छोड़ी है, कसर नहीं छोड़ी है, कसर तो पूरी रखी है, इसी वजह से कहीं ना कहीं हर बार इन्होंने वो चीज़ें पोस्टपोन की हैं। आज नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, किस मुंह से जाऊंगी, किस मुंह से जाऊंगा, क्या बोलूंगा उसे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या वो मुझे माफ़ करेगी, क्या वो मुझे माफ़ करेगा। तो यहाँ पर वही है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है, लेकिन माफ़ी भी मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है माफ़ी को लेके भी आपके पर्सन एग्जॉस्टेड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक सही समय का वेट कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि सही समय आपके पर्सन को चाहिए, एक ऐसा समय चाहिए जिसमें वो आपकी तरफ आए, तो आप उन्हें 100% माफ़ कर दो, उनको एक्सेप्ट कर लो जैसे भी हैं, भाई आ जाओ, चलो रह लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो माफ़ करा तुम्हें, चलो चलते हैं साथ में, ज़िंदगी बसर करते हैं। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पर्सन कहना कि यही चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक एक फेवर ऐसा चाहते हैं बाय डिवाइन साइड भी, कुछ परिवर्तन ऐसे चाहते हैं कि ये सब चीज़ें इनके फेवर में आ जाएं और इनको ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो यही मैं देख पा रही व्यूअर्स कि आपके पर्सन का माइंडसेट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमैच्योर रहा है हमेशा से, कभी भी इन्होंने कोई राइट टाइम पे कोई डिसीजन सही नहीं लिया है, कभी भी डिसीजन इन्होंने राइट टाइम पे नहीं लिया है, हमेशा समय के निकल जाने के बाद ही इन्होंने कहीं ना कहीं, वो भी सालों, हाँ सालों निकल जाने के बाद ही इन्होंने वो डिसीजन लेने की कोशिश की है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कहते ना जब समय निकल जाए तब डिसीजन लेने से क्या फ़ायदा। मुझे ऐसा नज़र आ रही है बस, आप में से कुछ लोगों की शादी भी हो चुकी है, आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी और से शादी कर चुके हो या किसी और के साथ में आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, और स्टिल आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई डोंट नो वाई, पर आप लोग देख रहे हो, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन भी जिसको पता है इसे बहुत कहीं ना कहीं हर बात को टालना 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 हर बार टालने के चक्कर में इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत कुछ गंवा दिया, बहुत कुछ खो दिया, हर चीज़ इन्होंने बिगाड़ लिया, खुद अपनी लाइफ का हर एक पुर्जा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया है, वो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप सही समय पे ऑयलिंग नहीं करोगे, वही है ना, आप सही समय पे डिसीजन नहीं लोगे, हर सही समय पे एक्शन नहीं लोगे, तो यही हाल होगा आपका, है ना, कि आपकी लाइफ में हर चीज़ बिगड़ी हुई होगी, आपके पर्सन की लाइफ में यही है, हर चीज़ बिगड़ी हुई है, हर चीज़ डिस्टर्ब है, कोई भी चीज़ अपनी सही तरह से वर्क कर ही नहीं रही है, इनकी पर्सनल लाइफ की तो लगी पड़ी है, ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन का व्यूअर्स यही हाल है, हाल बेहाल है, देख लो आप, ये ऐसे ही हैं, इन्होंने हर बार डिले 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 के चक्कर में बहुत कुछ डिले कर दिया, आपको भी खो बैठे डिले के चक्कर में, है ना, यही हुआ ना आपके साथ में, और आज कह रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरी लाइफ में वापस, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके पास में भी हो सकता कि अब आपके पास इनके लिए, इनको देने के लिए चांस ना हो, लेकिन फिर भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, ये माफ़ी मांगने को बेताब हैं व्यूअर्स आपसे, कि आपकी लाइफ में आपके साथ में अगर ऐसा हुआ ना, उसको कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में इतना परेशानियां झेली हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पूरा का पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, चलिए देख लेते हैं व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट आपके लिए के क्या है, क्या है उनके चैनल मैसेज। यू आर लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम हेवन, ऑब्वियसली, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, मैं कह रही हूँ ना आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपने इनको दिखा दिया वही कि यू आर नॉट कैपेबल, कि आप तुम मेरे लायक हो ही नहीं। ठीक है, आपने इन्हें दिखाया है और ये यही चाहते हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना करो, वही मैसेज मिल रहे हैं जो मुझे शुरू में मिल रहे थे, वही मैसेज आ रहे हैं। ओके, आई नीड यू, उनको आपकी ज़रूरत है, महसूस कर रहे हैं वो, आई नीड योर हेल्प, आपकी हेल्प चाहिए आपके पर्सन को, वही कह रही हूँ ना, मदद चाहते हैं अपनी लाइफ में,
ठीक है, नहीं है यहाँ पे ऐसे ही नज़र आ रहा है व्यूवर्स मुझे। एंड लास्ट मैसेज है व्यूवर्स हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से, आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे इस समय भी सोच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आपकी पास्ट मेमोरीज से बड़ी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ये आप दोनों के बीच में बहुत क्लोजनेस रही हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब रहे हो आप। ठीक है, आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक्स, कह रही हूँ ना यहाँ पे मिस्टेक्स कहीं कहीं ना कहीं बहुत भारी हो गई है इनसे, यहाँ पे ये नज़र आया बहुत भारी हो गई है इनसे मिस्टेक, उसको लेके ये आपके पर्सन इस समय गिल्टी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।